हाँ नमस्कार मित्रों, कैसे आप सब। मैं अजय शर्मा हिंदी अध्यापक आपके सामने मौजूद हूँ और आज नए प्रकरण को लेकर जिसका नाम है स्वर संधि। स्वर संधि में आगे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा कि स्वर संधि में कि स्वर संधि की परिभाषा क्या है। बताइए स्वर संधि की परिभाषा क्या है। स्वरों का स्वरों से मेल क्या है, स्वर संधि। इसका मतलब पूर्व पद के अंत में आपको क्या मिलेंगे, स्वर, और उत्तर पद के प्रारंभ में भी आपको क्या मिलेगा, स्वर। ठीक है, ये स्वर संधि की सबसे बड़ी पहचान है। इसके बाद मैंने बात की कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, 11। कौन कौन से, अ आ ई ई उ री। अच्छा, री कैसी है, ह्रस्व। कैसी है भी, ह्रस्व। आप मुझे तुरंत रूप से जवाब जरूर देते चले, जैसे मुझे लगे कि हाँ आप साथ में हो, ए आई ओ औ। यहां तक कोई समस्या नहीं, बताओ। पहला, पहला के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, नहीं रे चौथा। यही तो उच्चारण है, ओ और औ में उच्चारण का में अंतर क्या है, ओ औ, तो चौथा होता है, चौथा होता है, चौथा। इसके बाद बात करेंगे कि जैसे ही मैंने आपसे कहा कि स्वर संधि, तो इसके भेद कितने हो गए, मुख्य रूप से इसके भेद हो गए कितने, पांच। कितने भेद हो गए भाई, पांच। कौन कौन से, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। अब देखिए, यहां से ध्यान से समझना, समझने की बात क्या है कि अगर मैं दीर्घ संधि की बात करूं, किसकी बात करूं, दीर्घ संधि की, तो इसमें तीन वर्ण शामिल हैं। कितने वर्ण शामिल है भाई, तीन। कौन कौन से, आ ई ऊ। कौन कौन से हो गए, आ ई ऊ। वहीं पर अगर मैंने गुण संधि की बात की तो यहां पर तीन वर्ण शामिल हो गए, ए ओ अर। कितने हो गए, तीन। कौन कौन से, ए ओ अर। वहीं पर अगर मैंने वृद्धि संधि की बात की तो ये कितने अक्षरों में चलेगी, तीन में, सॉरी दो में। ए तो बन जाता है इसमें आई और ओ बन जाता है औ। ठीक है, तो वृद्धि संधि कितने अक्षरों में चली, दो अक्षरों में। हाँ अब बोलो, ये अर आएगा, अभी आएगा, अभी तो अपन को केवल देखना है कौन कौन से अक्षर है। जब गुण संधि चलेगी तो सारी चीजें आएंगी। अच्छा, यण संधि की अगर मैं बात करूं तो ये केवल तीन अक्षरों में चलेगी, किसमें, य व र। और अयादि संधि की अगर मैं बात करूं तो अयादि संधि है अय में, औ में, आय में और आव। तुम मस्ती में आ गए, वहां बढ़िया। अंधकार से लड़ने का संकल्प अगर कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। अंधकार है और अगर उससे लड़ने का संकल्प किसी ने भी कर लिया तो एक छोटा सा जुगनू भी चमकते हुए अंधकार को हर लेता है, यानी अंधकार को खत्म करने में समर्थ होता है। तो हम वो ही जुगनू हैं अपने अपने घर के, हम वही जुगनू हैं अपने अपने घर के। हमारे घर में अंधकार किस चीज़ का है, हर व्यक्ति के पास हर घर में अलग अलग प्रकार का अंधकार होता है। किसी घर में अंधकार होता है अज्ञानता रूपी अंधकार, कि पूरे घर में कोई दसवीं पास ही नहीं है। समझना, हम ग्रामीण परिवेश से हैं, हमारे घर में अक्सर क्या होता है कि पूरे घर में जैसे कोई दसवीं पास नहीं है, तो आपने अगर ठान लिया कि मैं पढ़ लिख के सरकारी नौकरी लगूंगा तो आप वो जुगनू हैं जो अंधकार को हरने में समर्थ है। पूरे घर में मान लो आर्थिक अव्यवस्था चल रही है, आर्थिक रूप से तंगी चल रही है, घर परेशान है पैसों की तंगी से, तो आप उस अंधकार में जुगनू का काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, कमा के खा सकते हैं और अपने घर में जो भी आर्थिक अव्यवस्था चल रही है, तंगी चल रही है, उसको खत्म कर सकते हैं। कोई घर में किस चीज़ से परेशानी, किसी घर में किसी चीज़ से परेशानी, तो आप अकेले जुगनू बनकर के अपने घर के अंधकार को हर सकते हैं। कि अंधकार से लड़ने का संकल्प अगर कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। तो मेरी कोशिश है कि आपके जुगनू, आपके पंखों में चमक डालने की मैं जो एक प्रयत्न कर रहा हूँ, वो क्या है कि आपके जो आप जुगनू हो और आपके पंखों में मैं चमक डाल सकूँ। लेकिन मैं चमक तभी डाल पाऊंगा आपके पंखों में जब आप जुगनू बनने का प्रयत्न करोगे, आप चमकने का प्रयत्न करोगे,
अगर तुम्हारे पंख ही नहीं है तो मैं चमक भी कहां से डालूं उसमें? नहीं आ रही बात समझ में? अगर जिज्ञासा ही नहीं है तो फिर नया क्या दूं? नया तो तभी दूंगा जब जिज्ञासा होगी। तरह तरह की ध्वनियां निकालना ये मानव प्रकृति के खिलाफ है, समझ पा रहे हो? मानव प्रकृति के खिलाफ है तरह तरह की ध्वनियां। कौन सा निकाल रहा था वो? यही था क्या? हाँ, सबसे ऊंचाई पर इसलिए बैठा है कि तरह तरह की ध्वनियां निकाल के और संबोधित कर सके। लेकिन नहीं, गलत बात। देखिए, समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है कि हमने बात की स्वर संधि के पांच वेदों की, और पांच वेद कौन कौन से हैं? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। क्या आपने यण शब्द में ण में हलंत लगाया? क्या लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अच्छा, सबसे पहले दीर्घ संधि में कितने वर्ण? तीन वर्णों को मध्य नजर रखते हुए यहां पर फिर मैंने एक शब्द का नाम लिया जिसका नाम है मध्य नजर। क्या मध्य नजर शुद्ध शब्द है? क्या नहीं? तो शुद्ध शब्द क्या है? मध्य नजर। वाह, मध्य नजर। क्या मैंने मध्य नजर सही लिख दिया? क्या नहीं? तो क्या करूं? जय के नीचे नुक्ता लगेगा। ये नुक्ता किसकी पहचान है? उर्दू शब्दों की पहचान है। किसकी पहचान है भाई? उर्दू शब्दों की। इसके बाद मैं बात करूंगा कि गुण संधि में कौन कौन से तीन वर्ण आए या तीन अक्षर कौन कौन से आए? ए, ओ, आर। इसके बाद वृद्धि में कौन कौन से आए? आई, औ। यण में कौन कौन से आए? य, व, र। और अयादि में कौन कौन से आए? आए, औ, आए, आ। अब देखो, याद करने का एक बहुत आसान तरीका, उससे हम बहुत जल्दी याद कर सकते हैं, क्या है? सुनना कि दीर्घ का तो आपको पता ही है, आ, ई, उ। दीर्घ संधि में तो विद्या प्लस आले विद्यालय, हिम प्लस आले हिमालय, इस तरीके से अ प्लस से बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, और उ प्लस उ बराबर दीर्घ उ। इसको तो हटाओ, ये तो हो गई। यण संधि पे आ जाओ। यण संधि का नाम लेते ही आपको क्या मिला? य। तो यह से क्या तीन अक्षर याद निकल लोगे? क्या यवर? हाँ या ना? यण संधि में बताओ तीन वर्ण कौन किस किस्म चलेगी? यवर। आयादि में शुरू में आपको क्या मिला? अय प्लस आदि, यानी एक पहचान हो गई कि अय। तो अय से कौन कौन से वर्ण बन गए? अय, आय, अव, आव। ये भी हो गई, ये भी हो गई। अब बताओ दीर्घ संधि कौन कौन से वर्ण अक्षरों में चलेगी? दीर्घ संधि आ, ई, उ। यण संधि कौन कौन से अक्षरों में चलेगी? य, व, र। अयादि संधि कौन कौन से अक्षरों में चलेगी? अय, अव, आय, आव। अब गुण और वृद्धि की बात आ गई। बताओ गुण संधि कौन कौन से अक्षरों में चलेगी? ए, ओ, आ। गुण के ही वर्ण वृद्धि होकर के क्या बन जाएंगे? ए का आई, ओ का औ। एक शब्द है और वो शब्द ये रहा। ठीक है, बताओ क्या है? ऐश्वर्य, जो कि अशुद्ध है, क्योंकि शुद्ध उच्चारण क्या है? ऐश्वर्य, ए आई, ए आई। तो ऐश्वर्य या ऐश्वर्य? फिर ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। अरे ए है या आई है? आई है ना। तो शुद्ध उच्चारण क्या है? ऐश्वर्य, ना कि ऐश्वर्य। शुद्ध उच्चारण हम गलती यहां पर करते हैं कि अशुद्ध उच्चारण करते हैं और उसका फिर हमें हर्जाना कहां भुगतना पड़ता है परीक्षा में। कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हमने गलत बोला, गलत उच्चारण किया और फिर उसका हर्जाना हमने भुगता परीक्षा में। जैसे एक शब्द था ऋषिकेश। ऋषिकेश में गलती कुछ नहीं है, हमारे पूर्वजों ने अशुद्ध बनाया इसको बोल बोलकर, गलत उच्चारण करके। शुद्ध शब्द क्या था? ऋषिकेश। दांतों के अभाव में हवा के निकल जाने के कारण केवल ऋषिकेश किस में परिवर्तित होकर के रह गया? ऋषिकेश में। और हम बचपन से कौन सा शब्द सुनते आ रहे हैं? ऋषिकेश। लेकिन क्या ऋषिकेश होता है? क्या नहीं? शुद्ध शब्द क्या है? ऋषिकेश। तो हम अपने आने वाली अग्रिम पीढ़ी को गलत उच्चारण ना छोड़ करके जाएं, इसलिए सही उच्चारण अभी कर लें। ऐश्वर्य होता है कि ऐश्वर्य होता है? ऐश्वर्य। चौथा होता है? चौथा होता है। छठवां होता है? छठा होता है। छह होता है या छह होता है? छह है, है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिखिए, सबसे पहले इसको लिख लो, लिखो जल्दी लिखो, फिर उसके बाद पहला भेद शुरू करेंगे, दीर्घ संधि। अच्छा, इसको भी लिख लो। वहां आपसे परिभाषा नहीं पूछी जाती, इसलिए घबराओ मत। केवल ये बिंदु आपको याद रखने हैं कि स्वरों का स्वरों से मेल बराबर स्वर संधि। स्वरों का स्वरों से मेल का मतलब है कि पूर्व पद के अंत में स्वर और उत्तर पद के प्रारंभ में स्वर। नोट्स आज मैं सर को दे जाऊंगा, सीआरजी सर को,
वो आपको दोनों उसके फोटोकॉपी करवा के और प्रोवाइड करवा देंगे। लीजिए सर, ये संधि है और वाक्य शुद्धि है। संधि इनकी रनिंग में है और वाक्य शुद्धि में संधि स्टार्ट खत्म करते ही और वाक्य शुद्धि को स्टार्ट करूँगा, यानी कल मैं आपकी वाक्य शुद्धि शुरू कर दूंगा किसी भी हालत में। हाँ, वाक्य शुद्धि कल अपन शुरू कर देंगे किसी भी हालत में। सर कल तक मिल जाएगी क्या इनको वाक्य शुद्धि? ये आप भले ही चाहे बाद में करवा दें, लेकिन ये जो वाक्य शुद्धि वाली फाइल है इसको हाँ शीघ्र से शीघ्र, क्यों कल ही शुरू होगी इनकी। हाँ आगे बढ़ाऊँ क्या? ठीक है, देखिए जो कुछ बच गया उसको बाद में लिख लेना, पीडीएफ है। इनको जिसने याद रख लिया उसकी कभी भी स्वर संधि गलत नहीं हो सकती। जिसने हर भेद के वर्णों को याद रख लिया कि समस्त पद में कौन सा वर्ण बनता है उसकी स्वर संधि गलत नहीं होगी। मुझे भी पता है कि मुझसे पहले आपको काफी सारे टीचर पढ़ा के गए, लेकिन मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो मैं आरपीएससी के पेपरों के माध्यम से पढ़ाता हूँ बस, इसलिए मैं बाकी सबसे कुछ अलग लेकर के चलता हूँ। इन वर्णों को आपको याद रखना है, बाकी की बात अपन जब शुरू करेंगे तब देखेंगे। एक छोटा सा प्रश्न कि शुरू शब्द में रू कैसा आता है, ह्रस्व आता है कि दीर्घ आता है? शुरू में, शुरू में, शुरू शब्द में जो रू आता है वो ह्रस्व आता है कि दीर्घ आता है? मैं जैसे शुरू अगर लिखूंगा तो मैं शुरू को इस प्रकार लिखूंगा या मैं शुरू को इस प्रकार लिखूंगा? ये शुद्ध है। मैंने आपसे कहा था कि शुरू में रू हमेशा दीर्घ आएगा, क्योंकि किसी भी कार्य को जब शुरू करते हैं ये पहचान है, तो शुरू में छोटे स्तर पर और अंत में जाकर के वो कैसा हो जाता है? बड़े पैमाने पर हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। वहीं पर मैंने शुरुआत शब्द को अगर लिखा तो शुरुआत में रू कैसा आता है? रू छोटा है, शुरुआत में रू छोटा, लेकिन केवल मात्र शुरू शब्द में रू बड़ा। लिख लिया क्या? लिख लो, फिर आगे चलते हैं। आगे बढ़े क्या भाई? अरे आगे बढ़े क्या? यस सर। अब देखिए, अब बिल्कुल ध्यान से और पूरी लगन के साथ, सबसे पहले मैंने जो भेद लिखा वो लिखा दीर्घ, ठीक है, दीर्घ संधि, ये इसका पहला भेद है स्वर संधि। दीर्घ संधि क्या कहती है? सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि कोई कठिनता वाली बात नहीं है, बताओ दीर्घ में कौन कौन से वर्ण शामिल हैं? एक तो है आ, एक कौन सा है ई दीर्घ, और तीसरा कौन सा है उ। तीन वर्ण आपको याद रखने थे, तीन वर्ण आपने याद रख लिए, अब टेंशन की बात कुछ नहीं है। टेंशन की बात हल्की सी बस ये है कि आ कब बनता है, अगर अ या आ के बाद में अ या आ ही आ जाए, यानी पूर्व पद के अंत में भी अ या आ हो और उत्तर पद के प्रारंभ में भी अ या आ आ जाए, तो दोनों के स्थान पर क्या बन जाता है? क्या बन जाएगा भाई? बड़ा ऊ नहीं बनेगा, आ बनेगा, और आ बड़ा नहीं होता, आ तो आ ही होता है। देखो, देखिए भाई, अगर ई या बड़ी ई के बाद में, यानी ह्रस्व ई या बड़ी ई के बाद में, दीर्घ ई के बाद में ह्रस्व ई या दीर्घ ई मिली तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो जाएगी, इसलिए इसको दीर्घ संधि कहा। और दीर्घ ऊ कब होगा? जब ह्रस्व या दीर्घ ऊ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ऊ मिलता है तो फिर क्या बन जाता है?
दोनों के स्थान पर दीर्घ ओ हो जाएगा। बताओ यहां तक कोई समस्या नहीं। अब मैं यहां पर एक छोटा सा शब्द लिख देता हूं। मैंने शब्द लिखा कथन, पूर्व पद है कथन और उत्तर पद है अनुसार, आया हुआ शब्द है। कभी भी आपको हिमालय और विद्यालय नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन है, आठवीं की परीक्षा नहीं है कि हिमालय और विद्यालय मिल जाएगा आपको। तो आप अगर इन शब्दों को लेकर के इस उम्मीद में हैं कि हमें दीर्घ संधि आती है, तो भूल जाइए। हिमालय और विद्यालय या आठवीं और दसवीं में खत्म हो चुके, आपको हिमालय और विद्यालय कॉम्पिटिशन लेवल पर नहीं मिलेगा। तो मिलेगा कौन सा? इस प्रकार के शब्द। अब देखिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमें संधि कहाँ करनी है? इस नए में और आ में। क्या वास्तविक रूप से नए में संधि होगी क्या? नहीं। क, थ और फिर न, और नए में से क्या निकला? अ। ये स्वर निकल गया और उधर क्या मिला? अ प्लस अनुसार। अब बताइए संधि किनके मध्य में हो रही है? स्वरों के मध्य में। स्वर कौन सा है? अ के बाद अ, मिलकर के क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। अब समझने की बात क्या है कि कथन में जब आ मिला तो ये बन गया कथना और ये बन गया अनुसार, और शब्द मिलकर के क्या बन गया? कथनानुसार। मात्रा में बाकी के दो वर्णों को छोड़ करके बाकी शब्द के किसी भी वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं, केवल उच्चारण में परिवर्तन और उसको लेखन आधार पर परिवर्तन। ए और ए मिलकर के क्या बन गया? आ बन गया। अब इसमें समझने की एक छोटी सी बात है, क्या आपको कठिन से कठिन एग्जाम्पल दिया जाए तो आप नहीं कर दोगे क्या? क्योंकि उसमें अंत में या तो अ मिलेगा या आ मिलेगा। कितना भी कठोर और भयंकर और जटिल शब्द क्यों ना हो। अच्छा, जटिल में प्रत्यय कौन सा है जल्दी बताओ? जटिल में प्रत्यय इल प्रत्यय, और मूल शब्द क्या है? जटनी, जटा। जो जटाओं की तरह उलझा हो वो ही जटिल है। जटिल शब्द के पीछे उद्देश्य ये है कि जो चीज जटाओं की तरह उलझी हो। जटाएं आपने देखी है कि जटाएं जिस तरीके से पेचीदा होती हैं, उसी तरीके से अगर कोई चीज पेचीदा है और एक दूसरे में फंसी हुई है तो उसको हम बोलते हैं जटिल। जटा प्लस इल यानी जटाओं की भांति। अब समझने की बात क्या है कि कथन प्लस अनुसार से क्या बन गया? कथनानुसार। लेकिन कभी भी दीर्घ संधि के उदाहरणों में वो दो पद दे करके समस्त पद नहीं बनवाता, वरना कोई भी बना देगा। तो वो पूछता क्या है? वो आपको हमेशा समस्त पद देगा और टुकड़े पूछेगा। समझ लेना मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। वो अक्सर आपसे क्या करेगा कि जैसे ही दीर्घ संधि का नाम आएगा तो दो शब्द नहीं देगा, क्योंकि दो शब्द देने के बाद तो हर व्यक्ति जानता है कि ई और ई मिलकर ई बन जाती है, ऊ और ऊ मिलकर। वो क्या करेगा? समस्त पद देगा, और समस्त पद देने के बाद आपसे क्या पूछेगा? टुकड़े करवाएगा, विच्छेद करवाएगा दोनों शब्दों को अलग अलग। वहां पर आपकी केवल नॉलेज और शब्दकोश का ज्ञान काम में आता है कि आपने बचपन से आपको किन किन शब्दों के बारे में नॉलेज है। जैसे देखो, मैंने इसके पांच उदाहरण लिख रहा हूं। पहला उदाहरण तो लिखा मैंने उर्गारी, दूसरा शब्द मैंने लिख दिया मुखारबिंद। क्या लिख दिया? मुखारबिंद। तीसरा शब्द मैंने लिख दिया मुरारी। फिलहाल मैंने तीन शब्द लिख दिए। अब अगर वो इनको तोड़ करके इस प्रकार से देता जब तो हम आराम से कर देते, लेकिन वो इस तरीके से नहीं देगा। उसने क्या दे दिया हमें? समस्त पद, और पूछा संधि विच्छेद। अब बताओ आपको इनमें से कौन सा शब्द आता है? उराग। एक तो आपको उराग आता है और दूसरा क्या आता है? अरी। अरी शब्द आपको कैसे आया? क्योंकि आपने बहुत समय पहले शब्द शुद्धि में मुरारी शब्द पढ़ रखा था, और मुरारी में हमें क्या मिला? अरी मिल गया। इसका मतलब हमें पता चल गया कि अरी नाम का भी कोई शब्द होता है, तो उसको तो अलग हटाओ। बच्चा क्या? उरग। उरग का मतलब होता है सर्प, और अरी का मतलब शत्रु। जो सर्प का शत्रु है वो कौन कहलाया? उर्गारी कहलाया। अब समझने की बात क्या है कि उरग प्लस अरी, ये हमने अपने ज्ञान के आधार पर लिए, और अगर ये उरग प्लस अरी दे देता तो बहुत आसान बन जाता। गय में से क्या निकला? अ। इधर क्या मिल गया? अ प्लस री, मिलकर के बन गया आ, और उर्गारी बन गया। क्लियर? इसका मतलब वो कौन सा पद देगा? समस्त पद। तो तैयार हो जाना कि समस्त पद देख करके और टुकड़ों पर तो रख लेना हाथ, और फिर बिना देखे बोलना। अगर पढ़ो दीर्घ संधि तो समस्त पद को देख करके टुकड़े करना, ना कि टुकड़ों को लेकर के समस्त। मुखारबिंद में आपको कौन कौन से शब्द देखने को मिलते हैं? देखो, मुख तो आप जानते हो कि एक मुख नाम की भी कोई चीज होती है, और दूसरा शब्द है अरबिंद। अगर कुछ को पता है, कुछ सी को नहीं पता, अगर नहीं पता तो समझ लो अरबिंद। अरबिंद का मतलब होता है कमल। अरबिंद का मतलब क्या होता है भाई? कमल। अब बताओ
मुख प्लस अरविंद, वहीं पर मुरारी शब्द का टुकड़ा क्या होगा, मुर प्लस अरविंद। इसका मतलब कि जिसको शब्दों का ज्ञान है, जिसको शब्दकोश की थोड़ी सी भी नॉलेज है, वो ही दीर्घ संधि में समस्त पद देने के बाद उनके टुकड़े कर सकता है। जिस दीर्घ संधि के नियमों को हम बहुत आसान समझ रहे थे, अगर समस्त पद परीक्षा में मिलता है तो वो उतनी ही कठिन है कि नहीं है। अगर उर्गारी शब्द मिलेगा और किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसको उर्ग शब्द का भी नहीं पता हो और अरी शब्द का भी नहीं पता हो, वो क्या इसको कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। दूसरी वाली बात, आप कहोगे वहां तो कोई ऐसा नया शब्द मिल जाए जो हमें पता ही ना हो, फिर हम क्या करेंगे। उसके लिए मैं बैठा हूं, मेरी जो फाइल है, हस्तलिखित नोट्स हैं, उससे एक शब्द भी बाहर नहीं जाएगा। ये मैं दावा नहीं कर रहा, ये मेरा आत्मविश्वास बोल रहा है। कल को तुम ऐसे कह दो इसके पास पेपर है क्या, पेपर वेपर कुछ नहीं है, आत्मविश्वास है। हाँ, कैमरे के सामने और बोल रहा हूँ, कहीं ले बैठो, पेपर नहीं है, आत्मविश्वास है, नहीं जाएगा। क्योंकि जाएगा कैसे, उसमें समस्त पेपरों का अध्ययन करके, समय आज तक के जितने भी पेपर, उनके प्रश्न शामिल हैं, उनके शब्द शामिल हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द शामिल है, तो बाहर जाएगा कहाँ। और चार विकल्पों में से एक चला भी गया तो तीन तो अपने पास है, दो चले गए तो दो तो अपने पास है, तीन चले गए तो एक तो है, और एक भी चला गया तो पूर्वस थोड़ी कह के मर गए कि सरकारी लगना ही लगना है, मैं भी तो प्राइवेट हूँ, क्यों घबरा रहे हो, आराम से, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाकी ये है कि प्रतिशत 75% तक अपना आएगा। आगे बढ़ते हैं, देख लिया आगे शब्दों की तरफ, लिख लो इसको, लिख लीजिए, या फिर इसकी PDF आपको उसमें WhatsApp पर आ जाएगी तो तब लिख लेना रात में, फिर मैं आराम से, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अरे वाह, आज की तारीख में जिसके पास फोन नहीं है उसको आप जितेंद्रिय भी कह सकते हो, या फिर ऋषिकेश शब्द का प्रयोग उसके लिए किया जा सकता है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसी के पास फोन नहीं है, वरना आदमी मर जाता है, गिर जाता है, लेकिन एक फोन जरूर लेके आता है। इनको लगाव है आपसे विशेष, इनको जब इनका नेता बोलेगा तो जनता तो बोलेगी, ये तो वो है, क्या बोलते हैं, कार्यकर्ता है, नेता बोलेगा तो कार्यकर्ता तो बोलेंगे, बोले। तुम अभी इसको पहचान नहीं पा रहे, पहचानोगे तब तक लेट हो जाओगे, बैच खत्म हो जाएगा। क्या 15 फुट पर पानी आ गया, ठीक है, चलो लिखो, जल्दी लिखो, थोड़ा सा जल्दी लिखो, समय का अभाव है। अरे भाई लिख ले, जल्दी लिख ले। नहीं, तो ये यहाँ बोर होने देता है और मेरे साथ साथ वहां और जाता है, तो वहां भी बोर नहीं होने देता। 2 घंटे तक मैं इसकी वजह से बोर नहीं होता, ये मेरी वजह से बोर नहीं होता, ये दूसरे वाले बैच में, हाँ, दो दो बार पढ़ता है तो तुमसे पहले पेपर करके आएगा, देख लेना। गुलजार साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि देखकर चेहरे की मासूमियत कहीं उलझ ना जाना साहब, देखकर चेहरे की मासूमियत कहीं उलझ ना जाना साहब। ये मासूम दिखने वाले लोग अक्सर जिंदगी तबाह कर देते हैं, बहुत शानदार बात की। देखिए आगे बात करते हैं, हाँ देखो कि अब बात करते हैं अगले शब्दों की तरफ। हमारा अगला नियम था कि अगर ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद, ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद अगर ह्रस्व ई या दीर्घ ई मिलती है तो दोनों के स्थान पर क्या बनकर रह जाएगी, दीर्घ ई बन जाएगी। देखिए कैसे, शब्दों का चयन और उदाहरणों का चयन मैं वही लेकर आ रहा हूँ जो कि परीक्षा में आए हुए हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैंने सबसे पहले एक शब्द लिखा और मैंने लिखा प्रति प्लस ईक्षा, प्रति प्लस ईक्षा, ठीक है। जैसे ही मैंने प्रति प्लस ईक्षा कहा तो आपके दिमाग में एक बहुत आसान चीज आ गई कि प्रति में हमें मिला, प्रत में छिपा हुआ है ह्रस्व ई, इधर मिला हुआ है दीर्घ ई और क्षा, इसका मतलब इन दोनों के स्थान पर बन जाएगा दीर्घ ई और मिलकर के क्या बन गया, प्रतीक्षा। और आपको लगेगा कि यार ये नियम तो बड़ा ही आसान है, लेकिन नहीं,
अगर दुनिया में कहीं सबसे ज्यादा गलती होती है तो दीर्घ संधि में होती है, क्योंकि मान लो उसने प्रतीक्षा ना दे करके और एक ऐसा शब्द दे दिया जैसे परीक्षक, परीक्षक, अब आपके सामने टेंशन हो गई, परी प्लस इक्षक, ओके, आपने इसको कहा परी तो इसमें उपसर्ग है और इक्षक शब्द है, ठीक है, कोई समस्या? समस्या है, आपको ये नहीं पता, अभी तो आपने इक्षा को देख करके छोटी या बड़ी इक्षक मान लिया, परीक्षा में जब नया शब्द आएगा तो आपको नहीं पता कि इक्षक में छोटी ई आएगा या बड़ी ई आएगा, तो हमें वो समस्त शब्दों का ज्ञान होना चाहिए जिसमें किस किस में तो छोटी आती है और किस किस में बड़ी ई आती है। सबसे पहले तो मैं उन शब्दों को लिखवाऊंगा जिसमें छोटी आती है और बड़ी ई आती है, परी प्लस ईक्षक। वहीं पर मैंने एक शब्द लिखा अभीप्सा, बताइए क्या बनेगा, अभी प्लस इप्सा। अब हो गई ना आपको टेंशन, क्योंकि इप्सा नहीं होता, ईप्सा होता है, इप्सा नहीं होता, कि होता क्या है, ईप्सा। अब बताओ एक इसकी ट्रिक है कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन है, ईश्वर, इसलिए ईश्वर की बड़ी, ईश्वर का दूसरा नाम है ईश, इसलिए ईश की ई भी बड़ी, ईश्वर से छोटा कौन है, इंद्र, इसलिए इंद्र की छोटी। मेरी एक छोटी सी इच्छा है, नहीं छोटी रहती, मेरी एक छोटी सी इच्छा है, तो इच्छा कैसी है, छोटी सी है। इसके बाद कुछ शब्द जैसे ईक्षा, ईप्सा, ईक्षा से कौन कौन से शब्द बनते हैं, देखो ईक्षित, ईक्षक, तो ईप्सा से ईप्सित, ईप्सित। अब वहीं पर एक शब्द आ जाता है अभीप्सित, अब इसके टुकड़े करो, अभीप्सित, अभी प्लस इप्सित। अगर आपको पता है कि इप्सित में ई बड़ी होती है जब तो आप जीत गए जंग, क्योंकि वहां पर दोनों विकल्प मिलेंगे, अभी प्लस छोटी इप्सित और अभी प्लस बड़ी इप्सित। अब क्या करोगे, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि इप्सित की ई कैसी होती है, बड़ी होती है। मैं जितने भी शब्द लिखवाऊंगा उससे बाहर वहां नहीं जाएगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। देखो मैंने कौन कौन से शब्द लिखवा दिए अब तक, इंद्र के बाहर नहीं जाएगा, ईश के बाहर नहीं जाएगा, ईप्सा के बाहर नहीं जाएगा, ईक्षा के बाहर नहीं जाएगा, ईप्सित के बाहर नहीं जाएगा, ईक्षक के बाहर नहीं जाएगा, ईक्षित के बाहर नहीं जाएगा। जैसे आपसे एक प्रश्न कर दिया उसने परीक्षित शब्द का संधि विच्छेद, परीक्षित, अब बताओ परी प्लस ईक्षित, ई कैसा आएगा, बड़ा आएगा। अब बताओ ईमानदारी से समझ में आ रही है क्या चीज है, दीर्घ संधि कठिन कब बन जाती है, जब वो समस्त पद दे देता है और पूछता क्या है, टुकड़े करो। और आसान कब रहती है, जब वो दो टुकड़े देता है और समस्त पद बनवाता है, तो लेकिन इसलिए वो देगा क्या, समस्त पद देगा और हमसे क्या पूछेगा, दो टुकड़े। बस इसी चीज का ध्यान रखना है और आगे बढ़ते जाना है, घबराना मत। वहां पर परीक्षा में मैं आपको याद आऊंगा, अगर अभीप्सित आ गया, परीक्षित आ गया, तो मैं आपको जरूर याद आऊंगा, पहले प्रश्न पर याद आऊंगा, दूसरे पर आऊंगा, तीसरे पर आऊंगा, और अगर इनमें से भी नहीं आया तो चौथे प्रश्न पर तो मैं याद आऊंगा ही आऊंगा, तो फिर नहीं आऊंगा, और याद करना भी मत, फिर पेपर करना, फिर घर आके याद आऊंगा। अब लिख लो जल्दी, एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर लिख लो। अरे यार इसकी गलती नहीं है, पहले ही बड़े बुजुर्ग लिख गए कि हम समझते कम, आजकल हम समझते कम समझाते ज्यादा हैं, इसलिए रिश्ते सुलझते कम उलझते ज्यादा हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती ये रहती है कि हम समझते कम हैं और समझाते ज्यादा हैं, इसलिए हम सामने वाले को अच्छे तरीके से सुन नहीं पाते।
तो रिश्ता सुलझता कम है, उलझता ज्यादा। तो तुम इससे सुलझो, इस हाँ इससे समझो कि कहना क्या चाह रहा है। तो इनको समझा किसी दिन कि तू कहना क्या चाहता है, तेरे मनोभाव क्या है, तब तक बैच कंप्लीट हो जाएगा। लिखिए जल्दी लिखिए, फिर अभी अपने पास शब्द बहुत हैं। हाँ भाई लिख लिया क्या? जल्दी लिखो, थोड़ा सा जल्दी लिखो। आगे बढ़े क्या? तो थोड़ा सा जल्दी लिखो, थोड़ा सा। कौन सा शब्द नहीं समझ में आ रहा इसमें से? हाँ हाँ फिर तो लिखो, फिर तो लिखो। टेंशन लेनी ही नहीं है, टेंशन तो उल्टी देनी है। हाँ बताओ क्या समस्या है, बताओ बताओ बताओ, कौन सा शब्द है बताओ। अरे बताओ तो सही, फिर कोशिश तो करो, होगा तुमसे, बताओ क्या। देखो सिस्टम यही है, घबराने की बात नहीं है कि आप अब एक ऐसी दौड़ में हैं कि अगर आप जीत जाते हैं तो अपने पीछे छूट जाएंगे, और अगर आप हार जाते हैं तो अपने आप को पीछे छूट जाएंगे। इस वजह से घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। शब्द बताओ, शब्द क्या है, किस पे उलझ रहे हो, जल्दी बताओ कौन सा शब्द था। कोई सा भी नहीं, ठीक है आगे बढ़ रहा हूं भाई। लिख लिया क्या? देखो अगला शब्द, अगला नियम है हमारा कि अगर ह्रस्व उ या दीर्घ उ के बाद क्या मिल जाए, ह्रस्व उ या दीर्घ उ मिल जाए तो दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा, दीर्घ उ। लेकिन सबसे पहले हमें उन शब्दों की बात करनी पड़ेगी जो छोटे उ से शुरू होते हैं, और उन शब्दों की बात करनी पड़ेगी जो बड़े उ से शुरू होते हैं, और वो ही परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अब बताओ वो कौन कौन से शब्द हैं। तो सबसे पहले लिखते चलो उदय, उदय में कौन सा उ आएगा, छोटा उ आएगा भाई। उदय, उदय के बाद उर्मी, उर्मी में कौन सा उ आएगा, बड़ा उ आएगा। उसके बाद ऊर्जा, ऊर्जा में कौन सा उ आएगा, बड़ा उ आएगा। वहीं पर उष्मा, उष्मा होता है ऊष्मा होता है उष्मा या ऊष्मा, ऊष्मा। उसके बाद अगले शब्द की अगर मैं बात करूं तो उपदेश में कौन सा हुआ आता है भाई, छोटा उपदेश। अगर मैं वहीं पर उत्सव की बात करूं तो छोटा हूं। वहीं पर ज्यादा बात ना करते हुए अगर अपन एक शब्द की बात कर लेते हैं उद्देश्य, तो कौन सा, छोटा। अगर मैंने एक शब्द लिखा उद्देश्य, तो उद्देश्य में वो कैसा आएगा, हिस्सा आएगा। हिस्सा शब्द अगर मैं लिखता हूं तो दो प्रकार से मैंने हिस्सा लिखा, एक तो हिस्सा मैंने ये लिख दिया और एक हिस्सा मैंने ये लिख दिया, लेकिन एक में तो मैंने है में शामिल किया र स्वर और एक में लगाया री। अब बताइए इनमें से शुद्ध कौन सा है, ये वाला। तो सर्वनाम कभी भी किसी भी सवाल का जवाब नहीं हो सकता, सर्वनाम सार्वनामिक रूप से अगर आप जवाब देते हो कि ये वाला, तो ये वाला नहीं, पहला वाला कि दूसरा वाला। देखिए अगर हिंदी की 10वीं कक्षा पर जाकर के आप ऐसे कहो कि पहला वाला शुद्ध है तो यू आर राइट, क्योंकि ये क्या है, अशुद्ध है। तो तुम्हारा 10 दिन हिंदी पढ़ना सार्थक हो गया। इधर और उधर कभी भी किसी भी चीज का जवाब नहीं होता, पहला वाला या दूसरा वाला, ठीक है। आगे बात करते हैं, मैं आपसे एक छोटी सी बात कर रहा हूं कि एक बहु शब्द
का मैंने नाम लिया, कौन से शब्द का लिया, बहु शब्द का। बहु कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। मैंने पहले भी कहा था कि बहु कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की, एक छोटी बहु एक बड़ी बहु। एक तो मैंने कहा कि छोटी बहु और दूसरा क्या कह दिया, बड़ी बहु। अब समझने की बात क्या है, दो प्रकार के शब्द अपने हिंदी शब्दकोश में शामिल है, एक तो कौन सी बहु है, छोटी बहु, और दूसरी बहु कौन सी है, बड़ी बहु। अब समझने की बात क्या है, समझने की बात यह है कि छोटी बहु का मतलब क्या होता है और बड़ी बहु का मतलब क्या होता है। छोटी बहु का जो अर्थ होता है वो तो होता है बहुत, क्या होता है भाई, बहुत। और बड़ी बहू कहलाती है ओरिजिनल वाली बहु, वधु, वधु, ठीक है, बड़ी बहू वधु, बहुत बहुत। जैसे देखो, जैसे समझना भाई, अब सिस्टम बहुत भयंकर आने वाला है। मैं एक छोटा सा शब्द लिख देता हूं, अच्छा कहना आवश्यकता है इसको। देखो ये है इस कि अच्छा तो कहूंगा ही कहूंगा। मैंने एक छोटा सा शब्द लिख दिया बहुउद्देश्य, ये मैंने गलत लिख दिया, ये मैंने गलत लिख दिया क्योंकि मैंने इसको, मैंने एक शब्द लिख दिया बहुउद्देश्य, और ये आपके पास वहां पर आ गया और उसने कहा कि ये समस्त पद है, इसका संधि विच्छेद करो। तो आप दूसरा शब्द तो पहचान गए कि दूसरा शब्द तो कौन सा है, उद्देश्य, उद्देश्य यानी उद्देश्य रखने वाला या उद्देश्य रखने वाली। लेकिन यहां पर आपके सामने दिक्कत यह हो गई कि छोटी बहू आएगी या बड़ी बहू आएगी, वो हाँ नहीं, एक पीछे से चला रहा है बड़ी बहू। अरे बहू रुक जा, पहले इधर देख, देखो बहु का मतलब क्या है, बहुत, यानी ये एक ऐसी परियोजना है जो बहुउद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्यों को साथ में लेकर चलने वाली है। एक बड़ी बहु की, ये बड़ी बहु का उद्देश्य नहीं। तो यहां पर आपको पूर्व पद के अंत में कौन सा उ रखना पड़ेगा, हिर्स उ रखना पड़ेगा, बहु यानी बहुत सारी, उद्देश्य यानी उद्देश्यों को लेकर चलने वाली परियोजना, बहुउद्देश्य परियोजना होती है। अब वो भ्रम कैसे उत्पन्न करता है, कैसे भ्रम उत्पन्न करता है, उसी प्रकार करता है कि बच्चा हॉस्पिटल में हुआ, नर्स आकर के कहती है आपके घर में बच्चा हो गया, उसी प्रकार से वो भ्रम उत्पन्न करता है। उसने शब्द दे दिया बहुउद्देश्य और विकल्प देता है सबसे पहला बहु प्लस उद्देश्य, और आदमी को लगता है इस बहु को अलग कर दो और इस उद्देश्य को अलग कर दो। लेकिन जो इस गहराई को पहचान गया, और गहराई को आपको पहचानने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बता दिया आपको, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। अब मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, आप उनको तोड़ना। अंबूर्मी, अंबूर्मी, अब बताइए इसका टुकड़ा क्या हो सकता है, अंबू प्लस उर्मी। देखिए अंबू का मतलब क्या होता है, अंबू, अंबू यानी जल, और उर्मी यानी लहर, पानी की जो लहरें हैं वो क्या कहलाती है, अंबूर में। कोई टेंशन है क्या, नहीं। वहीं पर मैंने आपके सामने शब्द लिख दिया भानुदय, भानुदय, अब बताइए भानु प्लस उदय, उदय कौन सा वाला, छोटा वाला, क्योंकि उदय में क्या आती है, छोटा उ आता है। वहीं पर एक शब्द आया भानुर्जा, ऊर्जा, अब आपको सिस्टम समझ में आ गया कि कहां पर छोटा हुआ आएगा, इन शब्दों से बाहर नहीं आएगा। अगर ऊ से कोई भी एग्जाम्पल आता है तो ये इन शब्दों से बाहर नहीं आएगा। अब यहां पर एक अंतिम शब्द मनुपदेश, मनुपदेश, अब बताओ अब वो भ्रम कैसे उत्पन्न करेगा, वो भ्रम उत्पन्न करेगा कि पहला ही विकल्प देगा मन प्लस उपदेश, दूसरा विकल्प देगा मन प्लस उपदेश। आप क्या सोचोगे, यार मन में जो उपदेश आ रहा है वही मनुपदेश है, या मन से जो उपदेश दे रहा है व्यक्ति वही मनुपदेश है, नहीं, मनु प्लस उपदेश, मनुपदेश। दो व्यक्ति थे भानु प्लस ऊर्जा, मनु प्लस उपदेश, मनु और धनु दो थे, कौन कौन थे, मनु और धनु। आपने मनुस्मृति का नाम सुना है क्या, कभी तो सुना होगा मनुस्मृति, मनु ने जो भी उपदेश दिया वो मनुस्मृति में शामिल है।
मनु जो शब्द है उसकी जो संतान है वो कहलाई मानव, और धनु की संतान क्या कहलाई? दानव। हम किसकी संतान है? मनु की संतान है। तो मनु हमारे क्या हो गए? पूर्वज हो गए, पिताजी से भी बड़े हो गए। तो फिर मनु कैसे, आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि ये मनु है और ये धनु है? नहीं, मनुजी है ये। ये कौन है? ये मनुजी है। और ये कौन हो गए? उपदेश। मनु प्लस उपदेश बराबर मनुपदेश। समझ में आ गया क्या? कंफ्यूजन है क्या? ठीक है, दो शब्द और बता रहा हूं, कंफ्यूजन बता देना। सबसे पहला शब्द तो है लघुर्मी और दूसरा है कटुक्ति। एक शब्द तो है कटुक्ति और दूसरा शब्द है लघुर्मी। अब बताइए इनका टुकड़ा क्या होगा? लघु प्लस उर्मी। उर्मी तो आप जानते ही, उर्मी नाम का कोई शब्द होता है वो आप पहचान जाओगे, इनसे बाहर नहीं आएगा। और अब बच्चा क्या? लघु। अब लघु में छोटा हुआ आता है कि बड़ा आता है? छोटा आता है। छोटी लहर लघुर्मी कहलाई। वहीं पर कटुक्ति, कटु प्लस उक्ति। उक्ति का मतलब क्या होता है? कथन। उक्ति का मतलब क्या है? कथन, किसी भी चीज का कोई वाक्यांश कहना। कटु यानी कड़वा, कड़वे जो वचन है वो ही कटुक्ति कहलाई। हाँ या ना? अब आप लिख लीजिए इन शब्दों को, बाकी आपको फाइल मिली जाएगी संधि की, तो उस फाइल में सारे शब्द लिखे हुए हैं गजब तरीके से, इसलिए घबराने कोई बात नहीं है। ये बीच बीच में भाई जो आज ज्यादा खाना खा के आया है और एनर्जी ज्यादा है, वो एनर्जी को थाम लो, आप कक्षा में बैठे हो। आपको मेरी संधियां थोड़ी सी अटपटी इसलिए लग रही होंगी क्योंकि दुनिया तो क्या करती है, दो शब्द देकर के समस्त पद बनाती है, सीधा नियम लगाती है, बात खत्म। लेकिन नहीं, मैं आपकी परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए बता रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं समस्त पद और फिर अपन कर रहे हैं टुकड़े, तो मैं कुछ अलग चल रहा हूं, तो आपको मैं अटपटा जरूर लग रहा हूं, लेकिन जिस दिन परीक्षा में पेपर में समस्त पद आया और वहां पर कटुक्ति जैसा शब्द मिला, उस दिन मैं तुरंत रूप से आपके स्मरण में आ जाऊंगा और आपके परीक्षा में आनंद आ जाएगा। यही है बस।